देखिए सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है और इस बीच सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि प्रदेश से कोरोना खत्म हो चुका है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है कि डेंगू भी बेअसर होता जा रहा है। दिल्ली में उन्हें संभले नहीं संभलता है, महाराष्ट्र में कोरोना संभले नहीं संभल रहा है, केरल में आप देख रहे होंगे संभले नहीं संभल पा रहा, समाचार सुनते होंगे कोरोना के कितने मरीज, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ और 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में कोरोना आज कल उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मामले आए हैं, कोरोना गायब, एकदम कंट्रोल में, कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद करके रख दिया। मौसम चुनावी है इसलिए विपक्ष ने बिना देरी किए कोरोना को लेकर योगी पर हमला बोल दिया। गंगा मई माह के अंदर लाशें तैर रही और सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। आज जो हुआ है जिसके कारण वैश्विक पटल पर भारत की नाक कटी है, आप ट्रीटमेंट छोड़ के आप क्रोसिन की गोली कोरोना के मरीजों को नहीं दे पाए। अब यूपी में कोरोना की जमीनी हकीकत भी जानिए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 21 नए केस मिले हैं। सभी 75 जिलों में से सिर्फ 12 जिले में ही केस मिले हैं। यूपी में कोरोना की रिकवरी दर 98.7% है। योगी का दावा, इस समय यूपी की जनता रहस्यमयी बुखार और डेंगू की मार भी झेल रही है। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मुरादाबाद में दावा किया कि डेंगू काबू में है। देखिए समय डेंगू की मौत का मेरे पे आंकड़ा नहीं है और सरकार पूरी तरह से सचेत है। किसी जमाने में डेंगू से मौतें हुआ करती थी, अब बहुत कम ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। संचारी रोग के अंदर गोरखपुर में 95% का डेथ रेट कम आया है। सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सचेत है। यूपी के कई जिलों में बुखार का असर है लेकिन फिरोजाबाद में ये कहर बनकर बरप रहा है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुखार के 120 नए मरीज भर्ती हुए हैं। 11 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद में वायरल बुखार से 56 मौत हुई। यूपी सरकार ने कोरोना और डेंगू को लेकर टीम 09 का गठन किया है जो लगातार प्रभावित इलाकों में डेंगू और रहस्यमय बुखार को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और कई जगह डेंगू से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।